हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चोपड़ा ब्रदर प्लैनेट ऑफ प्लांट। आज की इस वीडियो में हम आपको जिस प्लांट के बारे में बता रहे हैं उसका नेम है ड्रेसिना रिफ्लेक्सा। इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसका वैसे जनरल नेम यही है। ये ऑक्सीजन प्योरीफाइंग प्लांट है। आज हम इस वीडियो में आपको इसे कैसे नर्सरी से लाकर ग्रो करें इसके बारे में बताएंगे और इसके सॉइल मिक्सचर के बारे में भी बताएंगे। फ्रेंड्स, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं जो नर्सरी से लाया था, इस टाइप का प्लांट लाया था। अब मैं इसे रिपोर्ट करता हूँ, इसे पॉली बैग से हटाकर इसे अब एक नया पॉट देंगे हम। पहले हम इसका सॉइल मिक्सचर तैयार कर देते हैं। मैं आपको इसके सॉइल मिक्सचर के बारे में बताता हूँ। इसमें 20% कंपोस्ट है और 20% कोकोपीट है और 20% सैंड है एंड बाकी 40% हमारी गार्डन सॉइल है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से सॉइल तैयार हो जाएगी इसकी। फ्रेंड्स, इसे सॉगी मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, सॉगी सॉइल मतलब, क्योंकि इसे मॉइस्चर वाली सॉइल पसंद है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से इसका पॉट फिल कर देंगे हम। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि पॉट में हमारे होल्स अच्छी तरह हों इस पॉट में, जिससे इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन रहे। अदर प्लांट की तरह इसे भी वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। ये जो प्लांट है ये हार्डी प्लांट है। फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनर हैं, न्यू गार्डनर हैं, तो अगर आपके घर में ये प्लांट होगा तो ये बहुत सुंदर लगेगा आपके गार्डनर में। देखिए, इस टाइप से बिना रूट डिस्टर्ब किए हम इस तरह से पॉली बैग को हटाकर इसे गमले में फिट कर देंगे। अच्छी तरह से नीचे भी मिट्टी डाल देंगे और ऊपर भी। फ्रेंड्स, इसका ग्रोइंग सीज़न जो है समर सीज़न है। इसे समर सीज़न बहुत पसंद है। विंटर सीज़न में इसकी जो लीफ होती हैं वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं। देखिए, इस टाइप से इसकी जड़ों में भी वाटर डाल देंगे। देखिए, जो मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार करा है वो किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को और नीचे से ड्रेन भी कर देता है वो एकदम। हमारा प्लांट का पॉट तैयार हो चुका है। अब हम इसकी केयर टिप की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी केयर टिप्स बताते हैं। सबसे पहले केयर जो टिप्स है इसकी, इसकी एक जो सॉइल होनी चाहिए वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं अटकना चाहिए सॉइल में। और सेकंड जो केयर टिप है, इसे सेमी शेडी एरिया में रखें। आप ज़्यादा सनलाइट में मत रखें क्योंकि यह थोड़ा ब्राउन हो जाता है, इसकी पत्तियाँ जो है बर्न हो जाती हैं। ज़्यादा डार्क एरिया में मत रखें कि बिल्कुल इसकी जो लीव्स हैं वो झड़कर गिर जाती हैं। और जो इसकी डेड लीव्स हैं उन्हें हटा दें आप एकदम। फ्रेंड्स, ये समर सीज़न है, इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो इस टाइम इसे उगा दीजिए आप। जैसे अगर आपको प्रोपोगेट करना है, इस टाइप से स्टेम को कट करके यहाँ से आप इसे मिट्टी में या फिर कोकोपीट में लगा सकते हैं। और जब इसकी रूट निकल जाए तो इसे पॉट में अच्छी तरह लगा दें। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स।